तो यार वेलकम बैक टू रेसल रिपोर्टर, मैं हूं आपका रिपोर्टर प्रिंस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक्स के बारे में, जहां सबसे पहले हम बात करेंगे इस बारे में कि आखिर WWE ने क्यों इशारा दिया रोमन रेंस के जीतने का, क्या रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच हारने वाले हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे सेथ रॉलिंस के बारे में कि आखिर क्यों सेथ रॉलिंस को हील टर्न ले लेना चाहिए। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो यार कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जहां मैंने आपको बताया था कि WWE ने रोमन रेंस के एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीतने की ओर इशारा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसे देख सकते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर WWE ने ऐसा क्यों किया। तो यार सबसे पहले तो देखो, WWE ऐसा कभी करती नहीं है कि वो मैच से पहले ही रिजल्ट लीक कर दे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर सभी को रिजल्ट के बारे में पता होगा तो मैच देखने में उसे कम ही इंटरेस्ट आएगा। और WWE ऐसा क्यों चाहेगी कि वो रिजल्ट लीक करके लोगों का मैच से इंटरेस्ट ही खत्म कर दे। तो अगर WWE ने इस ओर इशारा दिया है कि रोमन रेंस एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीत सकते हैं तो इसके पीछे कुछ बड़े रीजंस हो सकते हैं। पहला रीजन तो ये हो सकता है कि सभी को पता ही है कि रोमन रेंस जीतने वाले हैं, तो फिर WWE ने भी सोचा होगा कि वो इस बात को लीक करें या ना करें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी सभी को पता ही है कि रोमन रेंस जीतने वाले हैं। और ऐसा सोच के उन्होंने रोमन रेंस के जीतने का संकेत दे दिया। और दूसरा रीजन ये हो सकता है कि WWE हम सभी को कंफ्यूजन में डालना चाह रही हो और विनर कोई और ही निकल के आ जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि रूमर्स आ रहे हैं कि रेसलमेनिया में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच हो सकता है, तो फिर ये भी हो सकता है कि यहाँ पे हमें दो दो विनर देखने को मिले, या यहाँ पे रोमन रेंस हार जाए और कोई और ही जीत जाए, क्योंकि वैसे भी रोमन रेंस का ड्रग्स वाला केस चल रहा है। तो ऐसे में WWE रेसलमेनिया को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि अगर बाद में रोमन रेंस ड्रग्स के चलते सस्पेंड होते हैं तो फिर रेसलमेनिया की गाड़ी ट्रैक से उतर जाएगी। तो फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ये है कि या तो WWE को फर्क ही नहीं पड़ता है कि रिजल्ट लीक हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, या तो रोमन रेंस जीतने ही नहीं वाले हैं, या फिर एलिमिनेशन चैम्बर से दो दो विनर निकल के सामने आने वाले हैं। खैर अब बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में कि आखिर क्यों सेथ रॉलिंस को हील टर्न ले लेना चाहिए। तो यार मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत से लोगों को वो एज अ हील पसंद होंगे, तो वहीं बहुत से लोगों को एज अ फेस। पर यहाँ पे देखा जाए तो सेथ रॉलिंस को हील टर्न ले लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी जब से सेथ रॉलिंस फेस बने हैं उसके बाद से देखा जाए तो वो सिर्फ एक दो बार केविन ओवेंस के साथ ही यूनिवर्सल टाइटल के मैच में आए हैं। उसके अलावा सेथ रॉलिंस एज अ फेस मेन पिक्चर में कभी नहीं आ पाए हैं। या तो उन्हें नंबर वन कंटेंडर मैच में डाल के हरवा दिया जाता है, या फिर टैग टीम डिविजन में डाल दिया जाता है, या फिर ब्रे वाइट के साथ अजीब सी फ्यूड में। वहीं अगर उनके हील रन की बात करें तो वो ऑलमोस्ट हमेशा ही मेन पिक्चर में रहे हैं। ऊपर से सेथ रॉलिंस हील का रोल काफ़ी अच्छे से निभाते भी हैं और फैंस को भी उनका हील का रोल काफ़ी पसंद आता है। और लोगों का तो ये भी मानना है कि वो WWE में टॉप हील बन सकते हैं। और एक फ़ायदा उनके हील बनने से ये भी होगा कि हमें कुछ अच्छे मैचेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि AJ स्टाइल्स के खिलाफ उनका ड्रीम मैच, ना कि वही पुराने सेमस और सीजारो। और ऊपर से अगर यहाँ पे यूनिवर्सल चैंपियन बन जाते हैं रोमन रेंस, तो उनको भी कोई टॉप लेवल का अपोनेंट चाहिए होगा जिससे कि वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप डिफेंड कर सकें, और यहाँ पे सेथ रॉलिंस एक अच्छे अपोनेंट साबित हो सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के देखा जाए तो सेथ रॉलिंस जितने सक्सेसफुल हील के कैरेक्टर में हुए हैं उतने फेस के कैरेक्टर में कभी भी नहीं हो पाए हैं। तो हर तरह से देखा जाए तो आप यही देखेंगे कि यहाँ पे सेथ रॉलिंस को हील टर्न ले ही लेना चाहिए। वैसे आप सेथ रॉलिंस को किस रोल में आगे चल के देखना चाहते हैं आप मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, साथ ही आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही न्यूज़ और रूमर्स अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में।